उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलीगढ़ में एक हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और वहां से अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें अवैध पिस्तौलें और दूसरा सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के आरोप में एक आदमी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया और उनके पास से भी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा इस समय अभियान चलाया जा रहा है अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध में। लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी तरीके से फोन के सिम कार्ड बेचने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में ये गिरोह किसी दूसरे आदमी के पहचान पत्र पर कई सिम खरीदते थे और फिर इन्हें आगे बेच देते थे। इन सिम का इस्तेमाल फर्जी कॉल के लिए किया जाता था। पुलिस ने इन लोगों के पास से 200 से ज्यादा सिम और 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। हम अभी तक 7 आरोपियों तक पहुंच पाए हैं। इनसे हमें 11 मोबाइल फोन और 203 इलीगल सिम कार्ड बरामद हो चुके हैं। इन अक्यूज ने बताया कि ये आपस में एक सिंडिकेट के रूप से पिछले 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं और ये कुछ हजारों इलीगल सिम कार्ड की ट्रेडिंग कर चुके हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। महसाड़ा में दंगे भड़काने के एक मामले में दोषी हार्दिक पटेल ने कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील की थी और चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि हार्दिक पटेल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल की चुनाव लड़ने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट के फैसले से हार्दिक पटेल के जामनगर से चुनाव लड़ने की खबरें भी साफ हो गयी। तय हो गया कि इस बार तो हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में नहीं उतर सकेंगे। हमारा ये कहना था कि एक लॉ ब्रेकर है, ही कैनॉट बी अ लॉ मेकर। हार्दिक पटेल हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला हार्दिक पटेल के लिए अच्छी खबर साबित नहीं हुआ। हार्दिक पटेल ने कोर्ट के फैसले पर तुरंत अपना रुख साफ किया और एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी उंगली उठाई और आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जिस पर गुजरात बीजेपी ने हार्दिक पटेल पर हाई कोर्ट के फैसले का अपमान करने का आरोप लगा दिया। वहीं केंद्र सरकार ने दलील दी कि हार्दिक पटेल मामले से उसका कोई लेना देना नहीं और सरकार ने हार्दिक पटेल के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपमान करती है। हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब हार्दिक पटेल तेजी से गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। वो कई गांवों और इलाकों का दौरा कर चुके और आगे भी गुजरात में उनके प्रचार का लंबा कार्यक्रम है। उनके चुनाव लड़ने की काफी संभावनाएं थी। इस तरह की चर्चा चल रही थी कि वो जामनगर से चुनाव लड़ने के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम के ऐलान में भी अब तक काफी सस्पेंस रखा, लेकिन कोर्ट के फैसले से सब साफ हो गया। हालांकि हार्दिक पटेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका अभी भी है। हार्दिक पटेल महसाड़ा में दंगे भड़काने के एक मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। गुजरात की एक कोर्ट ने महसाड़ा में बीजेपी नेता के दफ्तर पर हमले के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी माना था। कोर्ट ने हार्दिक पटेल समेत 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हार्दिक पटेल को जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए हार्दिक पटेल को अपनी सजा खत्म करवानी जरूरी थी, इसके लिए ही उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस तरह हार्दिक पटेल की मुश्किल बढ़ गई। गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के दौरान 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव की नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी हो गई। चुनाव के लिए नामांकन 28 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी किए जा सकते हैं। हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना या न लड़ना अब इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें 4 अप्रैल से पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। जेएनयू के चर्चित देशद्रोह मामले में दिल्ली की अदालत के सख्त रुख के बाद आज दिल्ली पुलिस के डीसीपी खुद कोर्ट में पेश होंगे। कल हुई सुनवाई के दौरान बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के कोर्ट में मामला चलाने को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा कि बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के चार्जशीट दाखिल करने की जल्दबाजी क्यों की गई। जेएनयू देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने 14 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। एमपी के सीहोर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें पाकिस्तान का हिमायती बताया। बिहार के अररिया में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान पानी की बोतल लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई, जहां बच्चे भी पानी की बोतल लूटते नजर आए।
यूपी में महागठबंधन से किनारा करने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की तुलना बंदर से की। बिहार के अररिया में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के नेपसराय में कार बच्चे को कुचलते हुए निकल गई, जहां सड़क हादसे की ये तस्वीर पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन को 2 घंटे तक साठी स्टेशन पर रोके जाने से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के कापासेड़ा में गाड़ी में छुपाकर ले जाए जा रहे 25 लाख कैश को पुलिस ने जब्त कर लिया। यूपी के संभल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बंधन किससे, जिसको गेस्ट हाउस में जलाकर मार डालने की योजना बनाई थी, उससे ये समझना चाहिए अखिलेश की मुंह में दांत नहीं है, जवान ही शायद चलती है।